आज हम वचन देखेंगे भजन संहिता 46 का 10 में हम वचन देखेंगे, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। पृथ्वी भर में महान हूँ और जातियों में भी महान हूँ। चुप हो जाओ, क्या बोला है? चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर। चुप हो के क्या करना? जानना। क्या करना? जानना। जानने के लिए क्या करते हैं? हमारा जो भी सोच है, हमारा जो भी है, वो सब उसकी फोकस करते हैं, है ना? उसको जानना है, तो क्या है वो बात मुझे पता चलना है करके क्या करते हैं, उनको जानने के लिए बैठते हैं, है ना? बैठते हैं और उसी की ओर ध्यान देते हैं, उसमें हम फोकस देते हैं। यहाँ यीशु मसीह का बारे में भी हम देखते हैं, मार्था मरियम दो बहन थी, उसमें मार्था क्या करती थी, अनेक काम करने के लिए दौड़ती थी। ऐसा नहीं है, मार्था यीशु को प्यार करती थी, काम करने के लिए वो दौड़ती थी। मरियम क्या करती थी? यीशु के चरणों में बैठती थी। बस दोनों को फर्क यही था। तो यीशु मसीह वहां बोलते हैं, हे मार्था तुम क्यों अनेक बातों को चिंता करती है, बस तुमको एक ही चाहिए है, बस मरियम जैसे उत्तम भाव को चुन ली है, तुम भी चुनो। क्योंकि यीशु को जानते रहेंगे जो भी हमारा जीवन की जरूरत है वो आते रहेगा। पहले उनका राज्य को, उनकी धार्मिकताओं को खोज करो, ये सारे वस्तु तुम्हें दिया जाएगी। तो यीशु को जानना है, इसमें भी लिखा है जान लो। क्या है? जान लो। हमारा तमिल में लिखा है बैठो, चुप होके बैठो। तो ये वचन मेरे जीवन में भी बहुत काम आया। एक दिन सुबह उठते ही आया, चुप हो जाओ जान लो मैं ही परमेश्वर। उस समय में ज्यादा कुड़कुड़ाना, पुराना बात को बोलना, वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, डरना, ये आता है ना, परिस्थिति को देख के आता। तो परमेश्वर मेरे से बातें किए, चुप हो जाओ जान लो। उस समय उनके बातों को मैं मानी, सच में जब भी आता था मुंह खोल के कुछ बोलने के लिए, लेकिन यही वचन मुझे याद आता था, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, परिस्थिति को देखो मत, जो है वो बोलो मत, जो डर है तुम्हारे अंदर आता है उसको भी बोलो मत, चुप होके तुम्हारी दौड़ को दौड़ो। जो दौड़ते हैं भले डर भी होता है, मुंह बंद करके ही दौड़ना इस मसीह दौड़ को। क्यों? मुंह खोलते ही कुछ अविश्वास हमारे मुंह से आना नहीं। इसलिए हम देखते हैं यरिहो को घूम घूम के आया, है ना, 7 दिन घूमा, सबको बोला परमेश्वर एक एक दिन एक एक बार घूमना, 7वां दिन 7 बार घूमना, लेकिन एक भी बात नहीं बोली, चुप हो जाओ, चुप चुप, कुछ भी नहीं आना। लेकिन जब हम 7वां दिन 7 बार घूम के आएंगे, तब इतना जय जय करना, मतलब प्रभु की स्तुति करो, तो यरिहो की दीवार टूट गई। टूटने के बाद नहीं किया, पहले ही किया, तभी जान लो मैं कौन हूं, जान लो। क्या यरिहो की दीवार हो, लाल समुंदर हो, योर्दान भी हो, 38 साल की बीमारी भी हो, आंख अंधा भी हो, लंगड़े हो, गूंगे हो, बहरे हो, बच्चा है ही नहीं है, 100 उम्र में भी बच्चा देगा, कुछ भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव है। 100 उम्र पहले ही अगर बच्चा होता तो बोल देते हैं ना, ये तो जवान था, इसको तो शरीर में ताकत था, देखो अच्छा ही था, बोल ही देंगे, डॉक्टर के पास गया होगा तो कुछ तो किया होगा, इसमें बच्चा तो हो गया, वो तो होता है। लेकिन 100 उम्र है, इतना बूढ़ा हो गया, 90 उम्र है, सारा ऐसा ही जो मनुष्य से हो सकता है परमेश्वर से होगा, ऐसे करके परमेश्वर दिखाया। इसहाक जन्म हुआ, देखिए उस समय ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर नहीं,
एक 90 उम्र माँ को नॉर्मल डिलीवरी हुआ। परमेश्वर की ताकत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। हर बातों का हम देख सकते हैं बाइबल में। अम्मी चकित हो जाते हैं ना। बाइबल में लिखा है पानी के अंदर उनका रास्ता है। रास्ता कहाँ है? पानी के अंदर। कैसे पानी के अंदर? लाल समुद्र के अंदर था, योर्दान के अंदर भी था। पानी के अंदर उनका रास्ता होती है, इंसान नहीं जानता है। इतना उनका बुद्धि अगम है, हर एक तारा को नाम लेकर बुलाते हैं। जान लो कौन है। अभी हमको जानना है, उसका जानना ही अनंत जीवन है। उसका जानना ही अनंत जीवन। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन। अगर जानते रहना, जानते रहना, हर दिन नया नया बातों को, उनका महान महानता को, उनका महिमा को, उनका स्वभाव को, उनका हर एक कामों को हम सोचते रहेंगे। इतना चमत्कार किया है, हम जानेंगे। तो वो जानेंगे तभी हमारे अंदर विश्वास बढ़ती है। चलो इतना किया, क्यों मेरे लिए नहीं करेगा? हाँ, लाल समुंदर ही खोल दिया। अभी देखिए समुद्र के सामने जाके ऐसे देखिए, इसमें कैसे रास्ता हुआ है? इंसान से कोई नहीं पाएगा, इंसान के हाथों से हो नहीं पाएगा। भले इधर हम देखते हैं समुद्र के अंदर मिट्टी डाल डाल के क्या करते हैं, कंपनी को बढ़ाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने के लिए कौन करे? वो भी जमीन, इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी, दोनों की रास्ता बीच में गया। ऐसे परमेश्वर चमत्कार करेगा। वो ही बस एक ही हवा आया, रास्ता खुल गए। कौन करेगा? ऐसे करने के लिए बहुत टाइम लगती है ना। फिर इतनी लोग जंगल में जाते थे, इसराइल लोग, वो लोग के लिए मांस चाहिए था खाने के लिए। तो वो लोग बोलते थे क्या, कुछ भी नहीं मिलता है, हम तो वहां वो खाए ये खाए। एक ही हवा आया, पूरा पक्षी आके गिरा। वो पक्षी ऐसा ही है, जहां हवा बहती है उस तरफ ही उड़ेगा। परमेश्वर एक हवा को इस तरफ किया, उस तरफ आके वहां सब गिर गया, सब लोग खाया। इतना लाखों लोग के लिए मांस देना तो आसान काम नहीं है। अभी देखिए एक दुकान में जाके मटन चिकन लेने के लिए जाते हैं, वहां ही भीड़ होती है। थोड़ा लोगों के लिए, इतनी लोगों के लिए गाड़ी रखो, ट्रैक्टर लेके आओ, बड़े बड़े ट्रक लेके आओ, ड्राइवर रखो, हाँ, रास्ता जाओ, पूरा एक दिन पहुंचने में ही बहुत टाइम लगता है। एक ही हवा में मिल गया, तो सोच के देखिए, एक ही हवा बस आ गया। ऐसे हमारा परमेश्वर चमत्कार करेंगे। ऐसे ही मैं भी सोचती, कितना गाड़ी चाहिए, कितनी ड्राइवर की जरूरत है, हाँ, कहां से पकड़ के लाएंगे पहले, हाँ, थोड़ा बहुत तो ला सकते हैं। इतनी लोगों के लिए कैसे महान परमेश्वर हर बार चमत्कार करते रहा। रात होते होते आग का कंबा बन के रहा, क्योंकि गुन 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 गर्म रहता था उसमें। रात में क्या नहीं होता था, ठंडी नहीं होता था, इसके लिए थोड़ा गर्म था। अभी तो हीटर रखते हैं, है ना, ठंडी में हीटर रख देते हैं। उस समय हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, आग का खंबा बन के, आग का मेघ बन के रहा। और दिन में धूप ज्यादा था तो बादल बन के रहा, ठंडा 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 होते, एसी से भी ज्यादा। देखिए वो लोग 40 वर्ष वो लोग चलते रहा, उनका कपड़ा फटा नहीं, उनका जूता वो भी फटा नहीं। तो सोच के देखिए, जैसे बच्चा लोग बढ़ते गए, कपड़ा भी बड़ा होते गया होगा, जूता भी उसी हिसाब से। अभी देखिए हम बचपन में जो ड्रेस पहने वो तो अभी नहीं पहन पाएंगे, लेकिन उस समय देखिए वही था परमेश्वर चमत्कार किया। तो हर एक चीज को उनको जानना है। बस केवल ये बात नहीं है, और भी कितना बात है। हम देखते रहेंगे कितना चंगा किया, हाँ, आंख अंधा, जन्म से अंधा, चंगा हो गया, और लंगड़े चलने लगा, गूंगे बोलने लगा, बहरे सुनने लगा। उनको जानना है, और भी जानना है। हम जानते ही जानते ही जानते ही हम भी विश्वास में बढ़ते जाएंगे।
किसी भी बातों पे हम लोग दुख नहीं होना, किसी भी बातों को हम चिंता ना करना, सारे हमारे चिंता को हमारा बोझ को यीशु पर हमको रखना, वो हमारे ऊपर ध्यान करता है। हम लोग सोचते होंगे क्या मुझे कोई आके बात नहीं करते, तुम कैसे यूं करके पूछ पाछ भी नहीं करते, मुझे पूछ पाछ करने के लिए भी कोई नहीं है, क्या है मैं तो ऐसे लग रहा हूँ अकेला हूँ। नहीं, आप अकेला नहीं, आपका मन के अंदर जो भी विचार है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, भले हमारा परिवार वाला भी जान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जानते हैं, माँ बाप से भी बढ़कर, भाई बहन से भी बढ़कर कोई भी हमको जान नहीं पाएगा। हम ऐसे देखिए, माँ थोड़ा जानती है, माँ तो जानती है हमारा बच्चा को, वो थोड़ा उदास होते हैं, कुछ खाते नहीं है, तो माँ जान लेती है क्या बच्चा, क्या बेटे को क्या हुआ, क्या बेटी को क्या हुआ, माँ जानती है क्यों बेटा तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, माँ बाप जान सकते हैं, पापा से भी माँ जानते हैं ज्यादा, उसके बाद परिवार माँ बाप जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर अंदर की बात जानने वाला वही है। हम इसलिए हम ये नहीं सोचने का मुझे कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार करे ना करे, यीशु मुझे प्यार करता है, मेरे लिए मरा, थोड़ा सोच के देखिए, उनके लिए मरा, इनके लिए मरा, ऐसा नहीं, मेरे लिए मरा ना, तो मेरे ऊपर प्यार किया इसलिए ना मरा, तो वो प्यार को मैं क्यों स्वीकार ना करूं, क्यों मुझे इंसान के प्यार चाहिए, इंसान मेरे से बात करना, वो लोग क्यों मुझे ऐसे ही बोला, वो लोग क्यों ऐसे ही बोला, हम सोचना ही नहीं। तो उसके लिए भी एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 37:7, यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुपचाप रहो, धीरज के साथ प्रतीक्षा करो, तुम प्रतीक्षा करो, जरूर वो दिखाएगा। उसकी पहला वचन 6:6 वचन में लिखा, वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाला के समान प्रकट करेगा। अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलते हैं, झूठा बात बोल सकते हैं, भले आपकी ये नहीं है, अन्याय रीति से भी बोल सकते हैं, उसके लिए आप चिंता ना करना, यहोवा के सामने चुपचाप बैठ, वो तुम्हारा प्रतीक्षा करेगा धीरज के साथ। धीरज, धीरज के साथ रहना, कैसे आएगा, धर्म ज्योति के समान, बोला ना सूरज, सूरज को कोई रोक नहीं पाएगा, दोपहर को कोई रोक पाएगा, अभी सुबह आया 6 बजे आया, अभी तो 9:30 होने वाला है, धीरे धीरे वो तो 1 बजे तो आ ही जाएगा ना, कोई रोक सकते हैं, 12 बजे का कोई रोक सकते हैं, आ ही जाएगा, कितना भी शैतान कोशिश करेगा उसको बाहर यीशु मसीह लेके आएगा, जो हमारा काम है, धर्म का काम है, वो प्रगट होगा, इसलिए हम चिंता ना करना, उसमें सोच के नहीं रहना, इसलिए हम हमेशा उसी में आनंदित रहना। बात ये है, चुपचाप रहो मतलब क्या, उनकी सम्मुख में बैठो, उनको जानो, यीशु मसीह को जानने से आपके अंदर आनंद आती है ना, देखो कितना चमत्कार किया, हाँ ऐसे किया, मुझे भी करेगा, मुझे अधिकार दिया, अपना बेटा बेटी बना दिया, मुझे आनंद दिया, उनका आनंद हमें दिया, उनका चंगाई हमें दिया, उनका पवित्रता हमें दिया, उनका स्वर्गीय वारिस हमें बनाया, हम भी स्वर्गीय वारिस हो गए, हम भी स्वर्गीय परिवार में शामिल हो गए ना, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और हमारा दोस्त भी है और तो और हमारा माँ है और हमारा पापा है और हमारा दुल्हा भी है, हर हर तरीका से हम यीशु मसीह को जानना, हर हर बातों के द्वारा हम उनको जानना, आपको क्या क्या चाहिए, सबके लिए वो तैयार है, वो एल शडाई है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर जरूरतों को हमें पूरा करेगा, एक माँ के समान हमें देखेगा, एक दोस्त के समान हमारे साथ बैठ के बात करेगा, है ना, एक पापा के समान उठा के कांधे पे लेके जाएगा, एक दुल्हा के समान हमको प्यार करता है, प्यार करता है, इतना महान परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, इसीलिए हम मसीह में आनंदित रहना, हमेशा आनंदित रहना, यही है हमारा बल। हमारा बल क्या है,
मसीह में आनंदित रहना, यीशु मसीह में हम आनंदित रहना। इसलिए पौलस कहता है आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। मैं फिर करता हूँ आनंदित रहो, फिर बोलता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो करके उस चैप्टर में हम बहुत देख सकते हैं। फिलिपियों में आप देखेंगे ना, बहुत आनंद के बारे में लिखा है, लेकिन पता है वो पत्री कहाँ बैठ के लिखा? जेल में बैठ के लिखा, जेल में। वो भी एक घोर अंधकार के एक रूम में पौलुस को डाल दिया था, वहां बैठ के वो पत्री लिख रहा है आनंदित रहो। कैसे आनंद आएगा थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि वो मसीह को जानता था। हमारा परमेश्वर कितना महान है वो जानता था, इसलिए उसके अंदर आनंद है। वो आनंद को दूसरे को भी बताता है। वो जो रूम में उसको रखा गया वो घोर अंधकार के एक रूम था, बस थोड़ा सा एक रोशनी आने के लिए एक द्वार रखा था, उसमें ऑक्सीजन आएगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से एक होल रहेगा, उससे रोशनी आता था। ऐसे रूम में बैठ के पौलुस लिखता है आनंदित रहो, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। हम भी बोलना है ऐसे परिस्थिति में, कुछ भी दुख के कष्ट में हम जाते हैं, कोई भाई हमारे सामने आया, कोई बहन हमारे सामने आया, हम भी बोलना यीशु अच्छा है, यीशु सबको प्यार करता है, यीशु आपको प्यार करता है, आप क्यों दुखी हैं, दुख में नहीं रहना करके हम यीशु के वचन को बताना। तो यही वचन को आज परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमेशा आनंदित रहो और चुप हो जाओ, जान लो परमेश्वर कौन है करके। मरियम के समान उनकी चरणों में हमको बैठना है, उनका बातों का हम सुनना है, उनका कामों का हम देखना है, सोचना है, ध्यान करना है, कैसे हुआ करके हम देखते रहना। देखते देखते देखिए बहुत हमारे अंदर खुशी आएगा ना। लाजर देखिए मर गया था, तीन चार दिन हो गया ना, चार दिन हो गया, उसके बाद उसको जिंदा कराया, बस एक ही शब्द में हो गया। पहले पिता से वो प्रार्थना किया, देखिए कहीं भी देखिए यीशु मसीह अपने पिता को नाम को महिमा करते रहा, है ना, महिमा करते रहा, हमेशा पिता के नाम को ऊंचा उठाते रहा। अपने आप देखिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर सब नामों के ऊपर उठा किया, अपनी दाहिने ओर बैठाया, सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, है ना, सबसे श्रेष्ठ नाम हमारा यीशु मसीह को मिला है, पिता परमेश्वर अपने बेटे को दिया है। क्यों? यीशु मसीह कहते हैं मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरी हो जाए। हम भी बोलना है प्रभु आपका इच्छा जो है वही हम करें, हम करते रहेंगे, सही समय पर आपको परमेश्वर उठा लेगा। किसी के साथ किसी के पास जाके आपको बोलने का जरूरत नहीं, मैं सही हूँ, मैं प्रेम में चलती हूँ, मैं प्रेम में चलता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो वचन पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, बोलने का ही जरूरत नहीं। आप अपने आप करते रहिए, लेकिन करना जरूरी है। कोई देखते है ना देखते है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखते है, उनको पता है अंदर क्या हो रहा है। जड है देखिए, पेड़ का पौधे का जड देखिए, जड नहीं दिखता, जड किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन बाहर का सबको दिखी जाएगा। अगर पत्ता अच्छा सा आएगा वो भी दिखेगा, अगर पत्ता ऐसा ऐसे होता है वो भी दिखेगा, मतलब कुछ मिट्टी में कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छा से पत्ता नहीं आता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, कुछ खाद डालते हैं ना, वो भी डालते हैं, कुछ भी डाल के उसको अच्छा आने के लिए हम कोशिश करते हैं। जिसका जड़ अच्छा है उनका पत्ता देखिए हरा भरा रहेगा, सही समय पर फूल आएगा, सही समय पर फल भी आएगा, वो फल भी हमेशा के लिए मीठा भी रहेगा, तो उससे हमको पता चलेगा इस जड़ सही है। वैसे जो अंदर का जीवन है वो बाहर नहीं दिखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर देखते हैं, वो परमेश्वर के साथ उनकी रिश्ता में हमेशा सही रहेगा, बाहर दिखे जाएगा, बाहर दिखे जाएगा, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, कभी भी बोलने का जरूरत नहीं, इंसान के ओर से इंसान मुझे अच्छा बोलना करके सोचना नहीं। बाइबल में लिखा है हमको तारीफ करना तो कौन करना, परमेश्वर ही करना,
इंसान नहीं। इंसान आज अच्छा बोलेगा, कल वही मुंह से आपको डांट भी देगा, आपके सामने बुरा भी बोलेगा, आपके विरोध में भी बोलेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे, हमारा अंदर गलती तो भी हमको ही बताएंगे, हमको ही बताएंगे ना, हमारे अंदर से पता चलेगा, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बोलेगा, नहीं तो किसी सांग के द्वारा, किसी वचन के द्वारा, किसी विश्वास के द्वारा दूसरा बात वो लोग बोलेंगे, लेकिन हमारे अंदर से महसूस आएगा, ओ मैंने वो भी गलत है, सही है, वचन में ऐसे लिखा है, हमारे अंदर ही बोलेंगे, दूसरे को जाके नहीं बोलेगा, वो शैतान का काम है, वो दोष लगाता है, इधर उधर बोलते रहेगा। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह सबको परमेश्वर के वचन को सिखाया, लेकिन सदूसी लोग क्या करते हैं, फरीसी लोग यीशु मसीह के बारे में दोष लगाते हैं, ये क्या करता है, लोगों को बहकाता है और लोगों के अंदर बुरी बुरी बातों को सिखाता है करके दोष लगाया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं सत्य को गवाही देने के लिए जन्म हुआ हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, जो सत्य का है वो मेरे बातें सुनता है। ये वचन लिखा है योवना 18 अध्याय 37 वचन में लिखा है। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं जो सत्य का है वो मेरे बातें सुनता है। सत्य कौन है, सत्य का कौन है, जो यीशु को विश्वास किया वो वही सत्य का, हम सब लोग इधर बैठे हुए हम लोग सत्य का है। यीशु मसीह बोलते हैं जो सत्य का है वो मेरे बातें सुनता है। हम किसके बात सुनना चाहिए, इंसान के बात। इंसान बोलेगा तुम वैसा ही हो, तुम वैसा ही हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ भी काम का नहीं हो, तुम तो झूठे हो, तुम ऐसा ही हो वैसा ही हो। ओ क्या करेंगे ये लोग हमारे बारे में, मेरे बारे में ऐसे बोलते करके हम बैठे रहेंगे, कभी भी हम सेवकाय नहीं कर पाएंगे। यीशु को वही बोला ना, यीशु तो परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, परमेश्वर के वचन को सिखाया, बोलते ये झूठा है, ये झूठ झूठ बोल के लोगों को भरमाता है। तभी देखिए यीशु मसीह कुछ जगह पर बात ही नहीं किया, चुपचाप था। अब देख सकते हैं वचन में जो योहन्ना में लिखा है वही आप देख सकते हैं, जब फिलातुस बात किया तभी यीशु मसीह बोला हाँ राजा मैं ही हूं, लेकिन हेरोदुस बात किया तभी यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप था, चुपचाप था। कभी कभी चुपचाप हमको रहना पड़ेगा, हम अपने आप को दिखाने का, अपने तरफ से कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है, वचन बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को सही रखिए, उनकी सम्मुख में बैठिए, उनका वचन पे महान होते रहिए, उदास होना ही नहीं, धीरज के साथ हम वेट करेंगे, जरूर न्याय को परमेश्वर बाहर लेके आएगा, हमारा शरीर की चंगाई को बाहर लेके आएगा, परिवार की आशीष को लेके आएगा, हमारा सेवकाई कैसे रहेगा वो परमेश्वर देखेगा, आपको करेगा, आपको देगा, कहां जाके सुसमाचार बताना, इसके लिए चुप नहीं रहना, हमारा काम को हम करते रहना। शैतान ऐसे दोष लगा के बोलेगा मत, अभी मत करो, बैठ जाओ, तुम्हारे बारे में ऐसे बोल दिया ना, अभी तुम सेवकाई नहीं करना, किसी को भी तुम यीशु के बारे में मत बताओ, यही डराने के लिए वो करता है। लेकिन हम डरना नहीं, हम यीशु के लिए खड़े रहना, यीशु मेरे लिए मरा, उस प्यार है ना, प्यार की ताकत बड़ा है, हम भी दुनिया के ऊपर जा पाएंगे, इसलिए हम चुप नहीं रहना, हम अपना काम को करते रहना, लेकिन कुछ भी बातों के लिए हम चुप रहना ही है, यही लिखा है, चुप हो जाओ, जानो मैं ही परमेश्वर हूं। हम जानना है हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है, वो राजा, उनका राजा है, वो राजा है, वो हमारा अंदर आया है, हम उनकी प्रजा है, वो हमारे लिए भलाई करेगा, हमको बचाएगा, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को, हमारा कलिशिया को, हमारा भाई बहन को, हम किसके लिए भी प्रार्थना करते हैं उन सबको वो बचाएगा, उनका जीवन में काम करेगा। जो कोई भी उद्धार नहीं पाया उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जरूर उनके मन में प्रभु काम करेगा, कोई मेरे लिए किया होगा इसलिए मैं इधर हूं, तो आपके लिए कोई किया होगा तो आप इधर है, हमको नहीं पता, हमारा परमेश्वर जो बोलते हैं वही हमको करना, प्रभु जो आप बोलते हैं मैं वही करो करके आप अपना जीवन को समर्पण करना है, चुप हो जाना,
बस जानना कौन परमेश्वर है। इंसान कौन है वो नहीं जानना, परमेश्वर कौन है वो जान। तो परमेश्वर कौन है हम जानते रहेंगे, इंसान कौन है वो खुद ही दिखाएगा। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है ना वो हमको बताता है, ऐसा ही है वैसा ही है, सावधान रहो, पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा। इसीलिए हम परमेश्वर के हाथों में अपना शरीर प्राण आत्मा को समर्पण करेंगे, उसकी सम्मुख में हम बैठेंगे, धीरज के साथ रहेंगे। धीरज, धीरज जरूरत है, तुरंत नहीं, क्या तुरंत नहीं होता है, तुरंत भी परमेश्वर करेंगे, कभी कभी धीरज भी रखना है। हमको नहीं पता कौन सा सिचुएशन कौन सा समय में प्रकट करना है, वो परमेश्वर ही जानता है। इसलिए हम तब तक चुप रहना और धीरज के साथ रहना। जो किसान बीज बोता है धीरज के साथ वेट करता है उसको फसल आने के लिए, तो इसलिए हम भी वेट करना है परमेश्वर के लिए, बाढ़ जोते रहना है सही समय पर, उत्तम समय पर, एकदम ऐसे पो फटते ही वो सब कुछ बाहर लेके आएगा। इसलिए हम चिंता न करना, दुख नहीं होना, क्यों मेरे को ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे ऐसे बोलते हैं, क्यों मेरा जिंदगी क्यों ऐसा ही है, क्या मैं लायक नहीं हूँ, ऐसे ऐसे शैतान की बातों को नहीं सुनना। जो हमारे बारे में वचन में क्या लिखा है उसको देखना, हम कौन है, हम उनका बेटी है, हम उनका बेटा है, हम उनका वारिस है, हम उनके संग वारिस है। मेरा पिता का जो भी है वो मेरा है, वो मैं उनके हाथों में हूँ, मैं उनका आंखों की पुतली हूँ, जो भी मुझे छूता है उनको छूता है। इसको हम कबूल करें, विश्वास करें, जाए पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस मधुर वचन के लिए, इस सच्चाई के लिए। प्रभु वचन में लिखा गया सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आप ही है पिता यीशु मसीह, आप सत्य है प्रभु, आपको जानना है, आपको जानते रहना है, आपको जानते 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 ही प्रभु हम छुटकारा होते रहेंगे, इस दुनिया के ऊपर भी हम छाई पाएंगे। जो परमेश्वर से जन्मा है वो दुनिया के ऊपर जाई पाता है प्रभु, हम आपसे प्रभु आपके द्वारा हम जन्मा है, हालेलुया प्रभु, हम दुनिया के ऊपर जाई पाएंगे यीशु मसीह के साथ, हम क्रूस पे प्रभु हालेलुया दुनिया के लिए, पापों के लिए प्रभु, बीमारी के लिए, दुनिया के हर एक चीज के लिए प्रभु, हम क्रूस पे मरे प्रभु, मर गए प्रभु, हम गाड़ा गए यीशु मसीह के साथ, तीसरा दिन जैसे यीशु मसीह जी उठा वही भी प्रभु हम जिंदा हो गए, हम नई सृष्टि बन गए पिता प्रभु, हालेलुया हम आपका बेटा बेटी बन गए। इसलिए प्रभु आपके हाथों में हम प्रभु इधर बैठे हुए हर एक भाई बहन को, मुझे भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते, यीशु मसीह के नाम से मानते पिता, आमेन।